हाय गाइस, वेलकम बैक। गाइस, मैं उस दिन मैंने एक कली का घाघरा लहंगा बनाना सिखा काटना बताया था, तो आज मैंने इसको सिला है। तो गाइस, ऐसे एक के साथ एक सिला है, तो अभी इसको मैं बनाना बताऊंगी। इसके साथ मुझे लेस भी लगाना है, कमर पट्टी भी लगाना है, तो वो मैं होने के बाद दिखा दूंगी। और ये जो है, ये मैंने अस्तर लिया, मेरे घर में ही पड़ा था तो मैंने ये अस्तर लगा लिया है। तो मैं इसकी अभी प्लेट्स डालूंगी। अगर ये प्लेट्स डालने के बाद वो मैं देखूंगी उसको आ रहा नहीं आ रहा, तो फिर बाद में मैं इसकी प्लेट भी एडजस्ट करूंगी। प्लेट डालना देख लीजिए गाइस, ऐसे ऐसे डालने से जल्दी जल्दी हो जाता है। यस, नीडल है गाइस, ये नीडल है। इस नीडल से ऐसे करने से गाइस ये मेरा हो गया। अभी ये मैंने अस्तर ले लिया, अब मैं गिनूंगी उसको आता है या नहीं, क्योंकि ये 40 था। तो जो लास्ट वाले वीडियो में मैंने कटिंग बताया था, तो उसमें बताया था कि मेरे इस लहंगे का नाप कमर का 40 है, तो ये अभी 40 आया है गाइस। तो मैं अभी इसको गिनूंगी, मेरा अस्तर भी इसके साथ सही जा रहा है या नहीं। तो अभी मैं इसको साथ अस्तर लगाऊंगी। ये गाइस, अभी मैंने इसके साथ ऐसे अस्तर लगा लिया है, अब मैं देखूंगी ये कम हो रहा या ज्यादा। मैंने तो पहले प्लेट्स डाल ली है, लेकिन कम हो रहा ज्यादा हो रहा तो मैं देखूंगी। तो ये आ रहा ऐसे, और तो गाइस मेरा ये अस्तर थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ये इतना ज्यादा आ रहा है, और ये यहाँ पे खत्म हो गया। तो इतना ज्यादा आ रहा है, तो मैं काटूंगी नहीं, मैं इसी को इसमें ही एडजस्ट करूंगी। अब मैं थोड़ा सा एक एक प्लेट्स डाल के उसको एडजस्ट करूंगी, ताकि वो मेरा पूरा अस्तर इसमें कवर हो जाए। तो अभी मैं इसको अस्तर लगाऊंगी। गाइस, ये अस्तर मेरे घर में था तो मैंने लगा लिया। आप कोई अच्छा अस्तर भी लगा सकते हो, ये मेरे पास पड़ा था तो इसलिए मैंने लगा लिया। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे गाइस इसको थोड़ा सा जमा करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा मिला है अस्तर, तो मैं अभी इसमें एडजस्ट करूंगी थोड़ा सा ऐसे, थोड़ी सी चुंगट डाल के। इसको थोड़ा सा सरका लूंगी गाइस बीच बीच में, क्योंकि मुझे अस्तर थोड़ा ज्यादा मिला है इसीलिए। तो वो मेरा थोड़ा सा ये, इसको भी मैं ऐसे थोड़ा सा यहाँ से मोड़ दूंगी, और इसको भी थोड़ा सा पास पास लूंगी ऐसे। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे देखकर थोड़ा कम, कभी ज्यादा, ऐसे करके। जैसे गाइस, अभी ये मेरा खत्म होने को आया है, और ये है, तो ये अभी मुझे इधर ऐसा मिला है गाइस। अभी मैं स्ट्रेट ही सिलाई मारूंगी, अभी नहीं उसमें प्लेट्स डालूंगी। अब मेरा हो गया एडजस्ट इसमें। अगर आप यानी ऐसे लग रहा है इधर प्लेट्स हमने दबाए नहीं, लेकिन इधर मैंने मुझे लगाई था कि कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैंने इधर प्लेट थोड़ी सी गाढ़ी ली थी, तो इसीलिए वो पूरा क्लियर हो गया। मैं वैसे ही करती हूँ, शुरू में थोड़ा सा हल्की प्लेट लेती हूँ दूर दूर डिस्टेंस पे, और फिर मैं बाद में थोड़े से पास पास डिस्टेंस में लेती हूँ, ताकि मुझे गिनने के बाद उधर से लाते वक्त, इधर आते वक्त, यहाँ तक के
फिर मुझे कपड़ा इक्वल मिल जाता है। तो इसलिए शुरू में थोड़ा दूर दूर प्लेट्स डालिए और फिर पास पास, जैसे देखो मेरी ये पास पास ही है अभी, जैसे वो दूर दूर थी, क्योंकि फिर मुझे एडजस्ट करना था, इसलिए फिर ये भी पास पास हो गया सब और ये भी। तो इसीलिए फिर अब गाइज मेरा ये हो गया। तो मुझे अभी कमर पट्टी यही पे एडजस्ट करना है, इसी में एडजस्ट करना है। तो मैं इसको कमर पट्टी लगाऊंगी अलग से और उसको ऐसा करूंगी फोल्ड, ताकि मेरी कमर पट्टी इसी में एडजस्ट हो जाएंगी ऐसे। तो अभी मैं कमर पट्टी लगाऊंगी गाइज, फिर मैं दिखा देती हूँ कि कैसा हो गया करके। और ये जो घेर है, ये घेर है तो मैं इसको काटूंगी भी अभी, कम ज्यादा रहता है, यानी जैसे आप गिनकर भी लगा सकते हो, नहीं भी गिने तो भी हो जाता क्योंकि आपने गिना था। तो ये जो है ये छोड़ देना, ये एक ये छोड़ देना, और जो ये है तो इसको काटेंगे तो उसको उसके साथ मिलाएंगे ऐसे। तो फिर गाइस ये हमारा अच्छे से आ जाता है, फिर इसको उधर मिलाते जाएंगे। ये ऐसे काटेंगे इसको, जैसे हमने अभी ये छोड़ दिया, हम जब उसके साथ मिला लेंगे, जब सिलेंगे पूरा तब हम इसको काटेंगे, जब हमको घेर काटना रहा तो फिर हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, ये चाहे इतना लगे फिर इतना लगे तो हम काट देंगे। ये हो गया गाइस, बाद में जैसे अभी ये पट्टी है कमर पट्टी, ये हम सीधे भाग पे लेंगे ऐसा, अभी हम इसको जोड़ेंगे। ये हमने यहाँ से प्रेस सिलाई मार लिए है। अब ये जो है ये खुला खुला दिख रहा है, हमें यहाँ तक ये पट्टी ऐसे जोड़ना है, तो यहाँ पे ये रब दिख रहा है इसलिए हम इसको अंदर ले लेंगे। तो अभी हम इसको ऐसा अंदर ले लेंगे और सिलाई मारेंगे उसके ऊपर, ज्यादा नहीं मारेंगे, 4 इंच पे ही मारेंगे। ये हमने सिलाई मारे ऐसे, अब इधर साइड से भी हम सिलाई वैसे ही मारेंगे। गाइस अब ये जो पट्टी मिली है हमें कमर पट्टी, तो ये हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसा और सिलाई मारेंगे। और देखते भी जाएंगे कि जो कमर का घेर है वो ठीक से बैठे, केयरफुली करना पड़ता है। सिलाई भी मारते जाइए और पीछे देखते भी जाइए गाइस, बरोबर आ रहा नहीं आ रहा, तो ये देखो बरोबर जा रहा है, ये बरोबर जा रहा है, देखिए
अभी मैं थोड़ा और मार के दिखाती हूँ, यानी फिर आपको समझ में आएगा कि कितने सफाई से इसको करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो घेर दबने के चांसेस रहते हैं। देख लीजिए गाइस, ये आ रहा ठीक। तो हम ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे अभी पूरे इसको। तरह से दिखेगा। अब मैं इस पे लगाऊंगी लेस। तो गाइस अभी मैं इसको लेस लगाने वाली हूँ। ये मेरे पास पड़ी थी, आपके पास ना भी हो तो भी चलता है, ऐसा भी आपने पूरा क्लियर कर लिया तो भी चलता है। तो ये मेरे पास लेस पड़ी थी इसलिए मैंने लेस लगा रही हूँ यहाँ पे कमर पे, क्योंकि अच्छी लगती है थोड़ी। तो ये मैं लेस लगाऊंगी ऐसे। और गाइस ये मेरा घर का है ऐसे सिलकर बता रही हूँ, तो इसीलिए मैं कोई भी धागा यूज कर रही हूँ। और थोड़ा लेकिन आपको अगर अच्छा चाहिए तो आप मैचिंग धागा भी ले सकते हैं इसका, जैसे इसके ऊपर भी काला धागा चलेगा, तो मैंने नहीं लिया है। गाइस जैसे कि अभी मैंने ये लेस लगा ली है, तो ये जो मैंने कमर पट्टी के लिए ये सिलाई ली थी, तो सिलाई नीचे से दिख रही है, मैंने तो ये एडजस्ट कर लिया है। तो आप चाहे तो ये खोल भी सकते हैं, मैं भी खोल दूंगी बाद में, लेकिन मैंने दिखाने के लिए रख दिया था आपको कि ये सिलाई दिखेगी कमर पट्टी की, तो आप इसको खोल सकते तब जाके अच्छा घेर दिखेगा फिर। तो गाइस मैंने ये लगा ली है, मेरे पास सब कुछ था, किसी का कुछ निकला था, किसी का रख दिया था मैंने, ऐसे कुछ था। तो मेरा तो ये पूरा, मुझे बाहर से कुछ लाना भी नहीं पड़ा, ना मुझे पैसे पड़े हैं, ना धागे के पड़े हैं, ना लेस के। तो मेरा तो ये हो रहा, तो मेरे पास अभी ये लेस भी शायद कहीं से मिली, मुझे ये भी पड़ी थी बहुत दिनों से। तो अब मैं ये लगा लूंगी नीचे गाइज। तो ये जो है पार्ट अभी, तो ये सब चार पार्ट्स एक साथ नहीं जोड़ते गाइस, क्योंकि वो जमा हो जाता फिर, और आधा इंच ऊपर चढ़ जाता, आधा एक इंच ऊपर चढ़ता है, तो अच्छा नहीं दिखता ऊपर चढ़ा हुआ। तो इसी के लिए फिर इसको गाइस एक साथ ऐसे यहां से इसको सिलाई मारते हैं, और बाद में अस्तर को मारते हैं। पहले कपड़े को मारते हैं सिलाई, और फिर बाद में अस्तर को मारते हैं, अलग अलग एक साथ नहीं मारते। अगर एक साथ मारेंगे तो ऊपर चला जाता है। तो हम इसको अभी सिलाई मारेंगे गाइस। जैसे कि हमने अभी ये घेर बिछा दिया है, तो कम ज्यादा आ रहा है, तो हम ऐसा काटेंगे। ये हो गया हमारा घेर। अगर आपको ऐसा लगता है कि घेर कम ज्यादा है, तो आप गाइस ऐसे कोई भी दीवार को ऐसे हैंगर टांग के भी गिन सकते हो, ऐसे कि आ रहा नहीं आ रहा।
अभी ये जो है अस्तर सिल रही हूँ इसके साथ। मैंने वो ये कपड़ा सिलकर दिखा दिया था साइड का जोड़कर, अभी मैं अस्तर सिल रही हूँ। कई अभी हमें घेर को सिलाई मारना है, तो हम घेर को ऐसा पहले फर्स्ट टाइम ऐसा करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये इसमें जमेगा नहीं, इसलिए हम पहले एक को जोड़ेंगे, बाद में उसको और पलट देंगे। तो हम अभी पूरा इस गोल जितना राउंड आता है पूरे राउंड को हम ऐसे सिलाई मारेंगे। अभी मैंने ये सिलाई पूरा मार ली है रफली, अब हमें फिनिशिंग टच चाहिए, तो हम इसको और अंदर लेंगे और सिलाई मारेंगे। आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं, इतना भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा मोटा रखूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि इसके अंदर कुछ बकरम वगैरह है तो अच्छा फील देता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा रखूंगी वैसे ही।